मेरे लिए एक्चुअली कंफर्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो कोई भी आउटफिट हो जितना वो कंफर्टेबल होगा उतना वैसे पहनूंगी। एंड आई थिंक ये बहुत सारी लड़कियों के लिए आजकल वैलिड है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बहुत सारा काम भी करती हैं और काम के साथ हमें अच्छा भी दिखना होता है। तो आई थिंक इस आउटफिट की खासियत यही है कि ये कंफर्टेबल है, और ब्लैक तो मल्टीपर्पज होता ही है। तो ऐसे मौके पर कितना आउटफिट कैरी कर पाती हैं आप, लाइक पार्क का? मुझे एथलीजर बहुत पसंद है एज अ ट्रेंड, और आजकल बहुत चल रहा है, और क्योंकि मैं बहुत बार, जैसे मैंने अभी कहा, जिम और किकबॉक्सिंग क्लासेस से ही कहीं ना कहीं जा रही होती हूँ, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये एक ट्रेंड बन चुका है और ऐसे ब्रांड्स इंडिया में हैं अब जो इस तरह के कपड़े बनाते हैं। तो ये पार्क्स का एथलीजर वेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हाट्स माय फेवरेट स्पोर्ट्स? आई लव प्लेइंग टेनिस, मैंने अभी भी खेलना शुरू किया है, बहुत ही बड़ा मुश्किल स्पोर्ट है। उसके अलावा मुझे रैकेट स्पोर्ट्स पसंद है, तो बैडमिंटन भी खेल लेती हूँ, स्कूल में बास्केटबॉल खेलती थी। अब मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं सारे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलती हूँ, ऐसा नहीं है, पर मैं काफ़ी अच्छा खेल लेती हूँ। कि विंटर्स में क्या पहनना चाहिए ऐसा? देखो भाई, ठंड है तो अपने आप को ढक लो। वैसे इंडिया में तो इतनी होती नहीं, बॉम्बे में तो स्पेसिफिकली होती ही नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ हो, आई थिंक हम मुंबईकर्स को तो मौका ही नहीं मिलता कि हम विंटर वेयर पहने, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आई थिंक लेयरिंग एक बहुत ही कूल चीज़ है। आप एक बहुत अच्छा लॉन्ग कोट पहन सकते हैं, यू कैन ऑलवेज वेयर अ कूल कटआउट स्वेटर, टाइट्स, बूट्स मेरी फेवरेट चीज़ है, तो विंटर्स में बूट्स का लुफ्त उठाइएगा और हमें फ़ोटोज़ भेजिए मुंबई में, क्योंकि हमें यहाँ पर तो सिर्फ गर्मी ही गर्मी मिलती रहती है। माई गो टू विंटर, आई लव वेयरिंग ब्लैक, बट इन विंटर फॉर सम रीज़न आई लाइक अ लॉट ऑफ वाइट्स एंड पेस्टल्स एंड दैट वेरी यू नो दैट सॉफ्ट विंटर लुक। सो आई लव ओवरसाइज स्वेटर्स विद अ नाइस पेयर ऑफ लाइक टाइट्स एंड बूट्स, आई थिंक। ओके, लास्टली आपने, आपको देखा था बहुत ही जल्द चेहरे में देखने। अरे बाप रे, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? बिल्कुल, मैं बिल्कुल करना चाहूँगी बायोपिक सानिया मिर्ज़ा के ऊपर करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे ग्लैमरस स्पोर्ट्स स्टार वो रही है, और अगर राइट्स दे दें तो आप ज़रा बात कर लीजिएगा उनसे। ठीक, बहुत ही जल्द हम चेहरे में आपको देखेंगे। सो व्हाट्स द स्टेटस ऑफ चेहरे? स्टेटस ये है कि मेजर फिल्मिंग हो चुकी है और मुझे बहुत मज़ा आया बच्चन सर के साथ काम करके, अनु कपूर सर के साथ काम करके, रघुवीर यादव जी थे, और अब बस थोड़ा सा पार्ट बचा है क्लाइमैक्स शूट करने। हम कहीं बाहर जाएंगे स्नो में, वहाँ मैं विंटर वेयर पहन सकूँगी, और हाँ जल्द अगले साल रिलीज़ हो जाएगी। बच्चन साहब जी के साथ में आप काम तो मान लीजिए कर ही रही हैं, हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है, उन्हें दादा साहब के आवाज़ में लेना है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं बच्चन सर को यही कहना चाहूँगी कि आपको बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस, आप तो कमाल हैं ही, हम सब आपको लुक अप करते हैं। आप, आपके साथ काम करके मैं इतनी इंस्पायर हुई हूँ एक ह्यूमन लेवल पे, सिर्फ ना कि सिर्फ एज एन एक्टर। आपकी ह्यूमिलिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो आप सिर्फ यही अवार्ड नहीं, मेरे हिसाब से आप और बहुत सारे अवार्ड डिज़र्व करते हैं।